हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकिता सिंह, ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं सीटेट जूनियर लेवल के लिए, जिसमें हमने कल देखा था कि कैसे जो है जीवों को विभाजित किया गया है जंतुओं और पादपों में। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि कैसे हम किसी चीज़ को बोलेंगे कि ये जो है जीवित है और ये जो है जीवित नहीं है। किस बेस पे, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसपे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये मटेरियल्स है, ये थिंग्स है, ये ऑब्जेक्ट्स है, ये लिविंग है और अदर्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन लिविंग है। हम कैसे ये डिसाइड करेंगे। बात आती है मूवमेंट की ना, लोग बोलते हैं कि जो गति करता है वो जीवित होता है, जो गति नहीं करता वो जीवित नहीं होता। तो हम लोग दिन भर कितने ही व्हीकल्स को गति करते हुए देखते हैं ना, तो क्या वो सभी भी लिविंग बींग्स में आएंगे। तो वो लिविंग बींग्स में नहीं आते हैं ना, लेकिन कैसे। ठीक है, फिर बात आती है कि सभी सजीवों को क्या चाहिए, भोजन चाहिए ना, कार्य करने के लिए भोजन चाहिए। तो जो हमारे नॉन लिविंग्स हैं, जो कार्स वगैरह चल रही हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, व्हीकल्स बाइक्स वगैरह चल रही हैं, उन सबको भी तो चलने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। तो वो सब भी तो एक तरह से एनर्जी के लिए कुछ न कुछ ले रहे हैं, तो क्या हम उनको भी लिविंग बींग्स के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अपने इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग देखेंगे जीवधारियों के लक्षण, किस बेस पे हम किसी भी चीज़ को जीवित बोलेंगे और किस बेस पे हम किसी भी चीज़ को अजीवित बोलेंगे, नॉन लिविंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है जीवधारियों का वो क्या होता है, कोशिकीय संगठन। नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सुना और लिखा हुआ ही याद रहता है। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से और जीवधारियों से क्या रिलेशन है, तो जितने भी सजीव होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग्स बींग्स होते हैं, उन सभी की जो बॉडी होती है, उन सभी का जो शरीर होता है वो सेल से मिलके बना होता है, वो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर, उनकी बॉडी सेल से, कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं, वो बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। ठीक, देखिए अब सेल क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं सेल क्या होता है। तो आपको हम बता दें, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है, सजीवों के जीवन की सबसे छोटी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मीन्स आप एक लिविंग बींग्स को अगर तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है, तो उस लिविंग बींग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आपको मिलेगा वही क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, वही क्या होता है, सेल होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग बींग्स आपको दिखाई देते हैं पृथ्वी पे, वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं, वो सभी जो है सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, हमने देखा है बहुत पहले से ही, हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं कि अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, इसका मतलब क्या होता है कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल से, एक कोशिका से मिलके बना हुआ
है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ऐसे भी जीव हैं जो कि एक से अधिक सेल से मिलके बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमन को ले लेते हैं, मानव को ले लेते हैं, तो मानव का जो बॉडी होता है वो पूरा बॉडी नंबर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। इसमें लगभग मिलियंस ऑफ, कई मिलियंस सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक। दूसरा होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है। इसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और इसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव, ऐसे जीव जिनकी, जिनके की पूरे शरीर का निर्माण केवल एक सेल से हुआ है, एक कोशिका से हुआ है, ऐसे जीव को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ऐसे जीव जिनके की शरीर का निर्माण मल्टी सेल से हुआ है, मतलब ढेर सारे सेलों को मिला के उनके शरीर का निर्माण हुआ है, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय, मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में हम अमीबा को देखते हैं, यूग्लिना को देखते हैं, पैरामीशियम को देखते हैं, और बहुकोशिकीय जो भी जीव आपको दिख रहे हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, मैन हो गया, एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, वो सभी नंबर ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। देखिए, जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी भी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो हमेशा सिंगल सेल से ही होती है, एक कोशिका से ही होती है, ठीक है। तो और वही कोशिका डिवाइड होते होते क्या करती है? ढेर सारे सेल का निर्माण करती है, जिससे कि हमारे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, मीन्स इसी छोटी सी कोशिका से ही हमारे पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। अब इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोला गया है? तो सेल को क्रियात्मक इकाई क्यों बोला गया है? देखिए, सभी सेल्स, ठीक है, सेल जैसे ढेर सारे सेल होंगे ना, उनमें से कुछ सेल जो होंगे वो समान टाइप के होंगे, ठीक है। जब सेम टाइप के सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब सेम टाइप के सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये टिश्यू बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऊतक, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। सेल, सेम टाइप के सेल जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, तो वो जिस स्ट्रक्चर का, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, अब जब सेम टाइप के टिश्यू, ठीक है, सेम टाइप के टिश्यू एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, ठीक, सेम टाइप के टिश्यू एक दूसरे से क्या होंगे? ज्वाइन होंगे, तो ये किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं ऑर्गन का, अंग का, ठीक है। हमारे बॉडी में ढेर सारे अंग हैं, ठीक है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आँख, ये सभी जो है अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं। और जो मीन्स हमारे हाथ का जो निर्माण हुआ है वो एक टाइप के सेल से हुआ है, लेकिन एक ही टाइप के ढेर सारे सेलों से हुआ है। प्रत्येक सेल क्या करता है? प्रत्येक टिश्यू क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एक विशेष प्रकार के कार्यों को करता है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है? सेल का समूह, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। सेलों का वह समूह जो कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस, स्पेशल टाइप के कार्यों को परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ऊतक, ठीक है। तो जब अगर हमारे हैंड में जो टिश्यू है वो सेम टाइप के हैं ना, इसीलिए सभी के जो हैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेम कार्य करते हैं। हम हाथ का ही यूज़ करते हैं लिखने के लिए, हाथ का ही यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। जनरली ना आप किसी को पैर से खाना खाते देखेंगे, ना पैर से लिखते देखेंगे। पैर का काम क्या है?
चलना। तो सभी के जो पैर हैं, सभी के जो लेग हैं, वो सेम टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सभी क्या काम कर रहे हैं, चलने का ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है। इसीलिए सेल को क्रियात्मक इकाई भी, स्मॉलेस्ट क्रियात्मक इकाई, छोटी कार्य करने की इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, सेल से क्या बनता है, सेम टाइप के सेल से टिश्यू बनता है और सेम टाइप के टिश्यू से आर्गन बनता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए पहला लक्षण क्या था जीवधारियों का, कोशिकीय संगठन, कि सभी सजीवों का शरीर जो है वो कोशिका से मिलके बना होता है। कोई भी ऐसा सजीव नहीं होगा जिसके शरीर में की कोशिका न पाई जाती हो। ठीक है, जबकि जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, डेस्क हो गया, ब्रेंच हो गया, स्कूटर्स हो गया, बाइक हो गई, होम हो गया, इन सब में कहीं भी सेल नहीं पाया जाता। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। क्लियर, ओके। चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट्स उपापचयी क्रियाएं। अच्छे से आप लोग नोट करके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स अगर आप अच्छे से बनाए रहेंगे तो बाद में जब भी आपका एग्जाम पास आएगा, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस सुन के छोड़ देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, मेटाबोलिक एक्टिविटी। ठीक, अब देखिए, अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सजीवों में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को, समस्त बायोकेमिकल एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाएं। जैसे सजीवों में क्या होता है, सभी सजीवों को खाना चाहिए, भोजन चाहिए, तो भोजन लेने के बाद उनमें क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा। ठीक है, रेस्पायरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, पौधों में क्या होता है, पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन भी होता है, रेस्पायरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है। ये सभी प्रोसेस जो हैं वो प्लांट्स में भी होती हैं। ठीक, तो इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, लिविंग बींग्स में रखा गया है। इन सभी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। ठीक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी, पहला होता है उपचयन। क्या होगा, उपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। और दूसरी होती है अपचयन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उपचयी और एक अपचयी। तो उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उपचयन क्या होता है, सरल अणुओं से जब जटिल अणुओं का निर्माण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उपचयन। ठीक, अपचयन क्या होता है, जब जटिल अणुओं से सरल अणुओं का
जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? उपचयी और अपचयी। तो उपचयी में क्या होता है कि सरल अणुओं से जब जटिल अणुओं का निर्माण होता है तो हम उसको बोलते हैं उपचयन, एनाबोलिज्म। जब जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है तो हम उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, जब जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। अब इन सब से क्या मतलब है? तो जैसे जब पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं ना, आपको कहाँ से भोजन मिलता है? पेड़ पौधों से ही मिलता है। पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और आप आराम से खाते हैं ना। तो पेड़ पौधे जब भोजन बना रहे हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो पहला तो है कि वो प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं ना? तो प्रकाश संश्लेषण वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं ना। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है? ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, जबकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण हो रहा है। तो इस हम बोलेंगे ये कैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है? तो ये एनाबोलिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो पौधों के द्वारा बनाया गया, हम इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाता है। और जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो बॉडी में क्या स्टार्ट होगी? बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम हमेशा इसके पॉली ना बहुलक के रूप में, ठीक है, पॉलीमर के रूप में हम इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे जो हम भोजन ईट करते हैं वो किस रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। किस में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक है, जो कि ढेर सारे ग्लूकोज के अणुओं से मिलके बना होता है। तो जब डाइजेशन होता है तो ये स्टार्च टूट जाता है ग्लूकोज में। ये स्टार्च किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। जब डाइजेशन होता है तो ये स्टार्च ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ये स्टार्च कैसा है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। और डाइजेशन में ये किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में टूट रहा है, जो कि एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इस तरह डाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म, अपचयन। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो कैरेक्टर्स था लिविंग बींग्स का, जीवधारियों का, वो क्या है? उपापचयी क्रियाएं। क्या है? उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। लिविंग बींग्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तीसरी, सभी सजीवों को लिखेंगे आप, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं उन सभी को क्या चाहिए? भोजन चाहिए।
ठीक है। सभी सजीव भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम भोजन किस लिए करते हैं? ताकि हम भोजन करें, हमें एनर्जी मिले और जो हमारे कार्य हैं उनको हम परफॉर्म कर सके। जब हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में, पीछे हमने जो पढ़ाया वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो प्रत्येक सेल को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उनको कौन देता है? तो वो ऊर्जा उनको देता है भोजन, ठीक है। कौन देता है? भोजन, ठीक है। वृद्धि एवं उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए भोजन आवश्यक होता है। तो अब हम जीवधारियों में किसको मानते हैं? दो को मानते हैं। एक तो होता है पेड़ पौधे, एक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और दूसरा कौन होता है? जीव जंतु होता है, ठीक है। एक पेड़ पौधे होते हैं और दूसरे जीव जंतु होते हैं। तो पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से मिलेगा? तो अभी हमने पीछे आपको बताया कि पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं, ठीक है। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद से करते हैं। इसी से इनको एनर्जी मिलती है और इसी से इनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। बढ़ने के लिए भी, ग्रोथ करने के लिए भी भोजन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। दूसरे बचे जीव जंतु। तो जीव जंतुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? तो जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम क्या खाते हैं? हम साग सब्जी खाते हैं ना, सब्जी चाहिए हमें, फल चाहिए हमें, अनाज चाहिए हमें, मसाला चाहिए हमें, दूध चाहिए हमें, ठीक है, बटर चाहिए हमें, एग चाहिए हमें, मीट चाहिए हमें, चिकन चाहिए हमें, ठीक। तो ये सब हमें किससे मिलेगा, ठीक है, किससे मिलेगा? जैसे जीव जंतुओं में तो सभी आएंगे ना, जीव जंतुओं में गोट भी आएगा, जीव जंतुओं में हैन भी आएगा, जीव जंतुओं में ह्यूमन भी आएगा, ठीक। तो ये गोट, गोट क्या खाता है? गोट सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं लायन का, शेर का। शेर को क्या चाहिए? शेर किसका शिकार करता है? शेर क्या खाता है? इसको ऊर्जा मिलती है। तो शेर जो है, जो जंगल में रहने वाले छोटे जीव जंतु होते हैं, मान लीजिए हम डियर को ही ले लेते हैं, हिरन को ही ले लेते हैं, तो ये इसको खा के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है ना। तो डियर को भोजन कहाँ से मिलेगा? डियर को भोजन पेड़ पौधों से मिलेगा, ठीक। उसके बाद ह्यूमन आ गया। ह्यूमन को क्या चाहिए? फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए, ग्रेन्स भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीट भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ किसको चाहिए? ह्यूमंस को चाहिए। तो लायन सिर्फ मांस खा रहा है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कार्निवोरस, मांसाहारी। और ह्यूमन जो है वो पेड़ पौधों को भी खा रहा है और फ्लैश भी खा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, हमने क्यों बोला कि जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब कि ये जो गोट है और डियर, ये तो सीधे पेड़ पौधों पे ही निर्भर है ना, लेकिन लायन जो है वो किसको खा रहा है? डियर को खा रहा है। तो डियर को एनर्जी किससे मिल रही है? पेड़ पौधों से मिल रही है। और लायन को किससे मिल रही है? डियर से मिल रही है। तो एक तरह से लायन को भी एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पेड़ पौधा ही हुआ, इसलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म्स, जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की द्वारा खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, ठीक। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ये अपने भोजन के लिए
किस पे? दूसरों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। या तो ये पेड़ पौधों पे निर्भर है या अपने से छोटे जानवरों पे निर्भर है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? परपोषी। क्या बोलेंगे? परपोषी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे? हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी इस सारे टर्म्स में, अगर हम आपको सिर्फ लक्षण ही नहीं पढ़ा रहे हैं, साथ में इसको एक्सप्लेन करके और भी क्वेश्चन आपका तैयार करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर हम इसको एक एक को डीपली पढ़ेंगे तो हमारा जो टर्म है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम छोटे में ही आपको ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको न क्लियर हो उसको क्लियर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और सी टेट का एग्ज़ाम हमारा जल्द ही होने वाला है, 4 से 5 महीने हैं उसके लिए। और अब जो नंबर की होड़ हो गई है कि 90 पे पास, 82 पे पास, तो सिर्फ पास होने से ही मतलब नहीं। अगर हमें नौकरी चाहिए, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, अगर हमें जॉब चाहिए, तो हमें इनमें भी ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत करने का जो सही समय होता है, जो व्यक्ति, जो पर्सन सही समय पे मेहनत करता है, सफलता उसी को मिलती है। आज हम नहीं पढ़ेंगे, जब हमारा एग्ज़ाम आएगा ना, तो 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते हम बहुत पढ़ेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में अच्छे से हर चीज़ को गेन नहीं कर पाता। तो अभी हमारे पास समय है और समय से ही हमें क्या करना चाहिए, इसको आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये हमें सी टेट, टेट, सुपर टेट सभी जगहों पे काम देगा। और आपको अगर क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के साथ जाएंगे बिना स्पेस दिए, ठीक है। और आपको क्लास मिल जाएगी। और हमारे यहाँ आपको जो क्लासेस मिलेंगी सभी NCERT बेस पे ही मिलेंगी। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी, स्पीड टेस्ट भी कराया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। बस समय से आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है और सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। तो ये जानकारी देने के बाद अब हम आपको बताते हैं फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? जीवधारियों का फोर्थ कैरेक्टर क्या है? तो सभी सजीव क्या करते हैं? सभी सजीव, नोट करिएगा आप लोग, सभी सजीव श्वसन करते हैं, सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अब श्वसन से आप क्या समझते हैं, श्वसन से आप क्या समझते हैं? क्या अभी तक आपको श्वसन के बारे में पता चला कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो हम जानते हैं सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, तो वो सिर्फ एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना, ठीक। तो जब हम ऑक्सीजन युक्त एयर को, जब ऑक्सीजन युक्त एयर हमारी बॉडी में इंटर करती है तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर हमारे बॉडी से बाहर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। और ब्रीथिंग क्या है?
यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को एक साथ मिला के हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ऑक्सीजन युक्त एयर को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ब्रीथिंग। अब ये ब्रीथिंग क्या है, ये ब्रीथिंग इस रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, सिर्फ श्वसन का एक भाग है क्या ब्रीथिंग, ठीक है। जब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड अकर्स आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ रिलीज एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि भोजन का विखंडन होता है या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है, जिस ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं कार्यों को करने में, ठीक है, क्लियर है। तो रेस्पिरेशन सजीवों को श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीव जो है वो श्वसन क्यों करते हैं, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगर आपको डिफिनीशन लिखनी है श्वसन की, तो आप लिखेंगे श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें कि भोजन विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसको हम बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। इस टर्म को जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी यही कि सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, और ब्रीथिंग जो है, सांस लेना जो है, वो सिर्फ श्वसन का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, ठीक है। देखिए ब्रीथिंग की भी डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिए, ये रेस्पिरेशन का हो गया, इसके बाद आप ब्रीथिंग की भी डिफिनीशन नोट करेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है, तो ब्रीथिंग में पहले आप लिख लीजिए कि यह श्वसन का एक भाग है, यह जो है श्वसन का एक भाग है, ठीक है, यह रेस्पिरेशन का श्वसन का एक भाग है। अब ब्रीथिंग किसको कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, नोट करेंगे आप, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। नोट करिएगा, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं,
ठीक है, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया होती है वो एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा जो है कितनी बार होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट क्या होता है कि एक बार एक मिनट में कोई भी व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार ऑक्सीजन अंदर लेता है और जितनी बार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है उसे ही हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। तो एक मिनट में मनुष्य द्वारा सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी बार होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट, श्वसन दर। एक मिनट में कोई मनुष्य जितनी बार सांस लेता है उसे बोला जाता है ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है वो एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एडल्ट पर्सन का ब्रीथिंग रेट कितना होता है तो आप बताएंगे 15 to 18 times। एक स्वस्थ मनुष्य, एक वयस्क व्यक्ति एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, क्लियर है। अगर जब आप कोई हैवी वर्क कर देते हैं, जैसे आप कहीं से दौड़ के आइए तो देखिए आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। तो जब कोई हैवी वर्क आप करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं कि जब आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है तो उस टाइम जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ के कितना होती है, 25 times। ठीक है, जब आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उस टाइम पे आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 25 times। ओके, देखिए अब श्वसन के लिए सभी मनुष्यों में जो श्वसन अंग होता है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जहाँ पे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन अंदर आती है और वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो सभी जीवधारियों में जो श्वसन अंग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि किस जीवधारी का श्वसन अंग क्या है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन निकल के जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे, श्वसन अंग, और इधर हेडिंग डालेंगे आप जंतु। दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में श्वसन अंग और दूसरे में जंतु। ठीक है, श्वसन अंग और जंतु। तो सबसे पहले हम उसी श्वसन अंग से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं पहले, वो क्या है, लंग्स। ठीक है, लंग्स को फुफ्फुस भी बोला जाता है, इसके अलावा लंग्स को फेफड़ा भी बोला जाता है। तो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि लंग से सांस लेते हैं, तो सभी मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मानव को लेके जितने भी स्तनपायी हैं वो सभी सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा मानव, उसके बाद जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वो सभी किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। तो आप लिखिएगा मानव, सांप, गाय, शेर, छिपकली। ठीक है, मानव, सांप, गाय, शेर, छिपकली और जितने भी पक्षी होंगे, जितने भी बर्ड्स होंगे वो सभी सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, लंग्स का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए, तब भी आप क्या बताएंगे, लंग्स। स्नेक का लंग्स, काऊ का लंग्स, बुफेलो का लंग्स, एलिफेंट का लंग्स, कैमल का लंग्स, लायन का लंग्स, डियर का लंग्स, छिपकली, लिजार्ड का लंग्स, जितने भी बर्ड्स हैं, क्रो हो गया, पिजन हो गया, उन सभी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा लिखिएगा आप वातक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वातक और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, कभी कभी ट्रैकिया की जगह पे स्पाइरिकल्स भी दे के पूछ देता है,
ठीक है, ट्रैकिया की जगह पे स्पाइरिकल्स भी देके पूछ देता है, ठीक है, या तो इसको श्वास छिद्र भी बोला जाता है, श्वास छिद्र भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको वात रंध्र भी बोला जाता है, ठीक है, ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स। तो ऐसे कितने जीव जंतु हैं जो कि ट्रैकिया से सांस लेते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, घरेलू मक्खी, काकरोच, सुपरटेट का क्वेश्चन, काकरोच सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, काकरोच का श्वसन अंग क्या है, ये आपके सुपरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वहां पे ऑप्शन में स्पाइरिकल्स ही दिया था, ट्रैकिया नहीं, तो स्पाइरिकल्स के जगह पे ट्रैकिया भी हो सकता है और ट्रैकिया के जगह पे स्पाइरिकल्स भी हो सकता है, ठीक है। मक्खी, काकरोच व अन्य कीट, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो सभी सांस लेने के लिए किसका यूज करेंगे, ट्रैकिया का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड हेडिंग डालेंगे आप त्वचा, क्या लिखेंगे आप त्वचा, स्किन, स्किन से कौन सांस लेता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थवार्म, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे आप केचुआ, ठीक है, अर्थवार्म। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे लंग्स एंड स्किन, फेफड़ा और त्वचा। ऐसे कौन से जीव हैं जो कि सांस लेने के लिए लंग्स का भी यूज करते हैं और स्किन का भी, तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं मींस जो उभयचर होते हैं, जैसे कि मेढक, जब मेढक उभयचर होता है मींस ये जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, तो जब ये जल में रहता है तो स्किन से सांस लेता है और जब स्थल पर रहता है, लैंड पर रहता है, तो उस टाइम पे लंग से सांस लेता है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखिएगा श्वसन अंग में, आप नेक्स्ट लिखेंगे गिल्स, जिसको क्लोम भी बोलते हैं, तो गिल्स से कौन सांस लेता है, तो लिख लेंगे आप मछली व अन्य जलीय जंतु। गिल्स का प्रयोग कौन करता है सांस लेने के लिए, फिशेस करती हैं और जितने भी लिविंग बींग्स वाटर में रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं झींगा को, ऑक्टोपस को, ठीक है, ये सभी किससे सांस लेते हैं, तो ये सभी गिल्स से सांस लेते हैं, इनका ब्रीथिंग ऑर्गन्स क्या है, इनका ब्रीथिंग ऑर्गन्स है गिल्स, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फेफड़ा, कौन ऐसे हैं जो फेफड़े से भी सांस लेते हैं, उसके बाद वात छिद्र या नासा छिद्र, ठीक है, लंग्स एंड ट्रैकिया, ऐसे कौन है, तो इसमें आप सिर्फ लिखेंगे वेल एंड डॉल्फिन, ये दोनों फिशेस वाटर में ही रहती हैं, ठीक है, वाटर में ही रहती हैं, पानी में रहती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये गिल्स से सांस ना लेके ट्रैकिया या लंग से सांस लेती हैं, ठीक है, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये ज़्यादा टाइम तक बिना सांस लिए रह सकती हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो जब इनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब ये ऊपर आती हैं और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके ब्रीथ करती हैं और फिर से पानी में वापस चली जाती हैं, तो जलीय जंतु में ये वेल एंड डॉल्फिन एक्सेप्शन है, जो कि लंग से भी सांस लेती हैं और ट्रैकिया से भी, ठीक है, जिसको ब्लो होल्स बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं, ये उनसे भी सांस लेती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था श्वसन, 4 पॉइंट हमने देखा जीवधारियों के लक्षण में, ठीक है। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए सीटेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।